नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज़ के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, और हमारे साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर नीलेश तिवारी सर। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुद्दों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सोशल वर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सर से ही इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, प्लीज़ आप जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बताएं। जी मैडम, थैंक यू। देखिए, हम लोग ये हमारा नया इनिशिएटिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें सजेस्ट किया था कि सर, जो सोशल इश्यूज़ हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे कुछ प्रैक्टिकल हमको बताइए, तो उस पे हम जुड़े हैं। देखिए, आज की सबसे पहली स्लाइड अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, कोंडा गांव। और ये ज़िले में, इस ज़िले में एक टीचर है, शिववरण साहू जी। अब इन्होंने, इनकी न्यूज़ ये दैनिक भास्कर में आई थी 18 अप्रैल को। हम लोगों ने सोचा कि इनको इस न्यूज़ को हमको सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से किस तरह से देखना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मरने के बाद, हम सब एक दिन मरेंगे ही, क्यों मैडम, हम सबको तो जिंदा ऐसा है नहीं कि हम लोग हमेशा जिंदा रहेंगे। जी तो बिल्कुल। जब हम मर जाएंगे और उसके बाद अगर हमारे बॉडी पार्ट्स, चाहे आँख हो, हाथ हो, जो कुछ भी है, उसको अगर किसी और को ट्रांसप्लांट किया जाए या उसको दे दिया जाए और उसकी ज़िंदगी, नया जीवन एक उसको मिले, तो कितना बढ़िया आइडिया रहेगा। अब इन्होंने क्या किया है कि शरीर को, अपने शरीर को मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज को दान देने की जो है इन्होंने डिसीजन लिया है। अब देखिए, बहुत लोगों की आंखें नहीं रहती, बहुत लोगों का जो है लीवर का प्रॉब्लम रहता है, बहुत लोगों का बहुत सारी इश्यूज रहती हैं। तो इन्होंने जो न्यूज़ इस तरह से किया है, ये एक सामाजिक जन चेतना का, एक जागरूकता फैलाने का काम किया। और सोशल वर्क में अगर आप देखें, अगर आप पढ़ें, क्योंकि मैं अपने घर में भी पढ़ाता हूँ मेरी वाइफ को, तो वो जो है उसमें आप देखेंगे कि ये सोशल वर्कर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ये एक तरह से कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं समाज के सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, और जो हमारे संविधान में वैल्यूज़ दी गई हैं उनके बारे में। अब बात यहाँ ये है कि हम सब, जब एक दिन हमको मरना ही है, अगर हम डोनेट करते हैं तो सोचिए कितना बड़ा एक दान होगा, ये एक तरह से ये गिफ्ट होगा बाकी लोगों के लिए। तो कहते हैं अंग दान महादान। और मैडम, मैं पर्सनली बताऊं तो आज के 6 साल पहले मैंने भी यही किया है। मैं इसको एक्चुअली सोच रहा था कि बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन मैं बता दूं, मैंने भी अपने बॉडी पार्ट्स अपने मरने के बाद डोनेट कर दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो भारत सरकार की संस्था है, गवर्नमेंट की, आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मरने के बाद आपके मेडिकल कॉलेज जाएगा, वहाँ की जो टीम जाएगी और जैसे भी होगा वो आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स को जो है, जिन लोगों को ज़रूरत है रिसर्च के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, उपयोग में लाएंगे। तो मैडम, कैसा न्यूज़ है ये, कैसा एक्टिविटी है ये? बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसमें दो बातें हैं सर, जी कि ये जो सर हैं जिन्होंने डोनेट किया है अपना मरणोपरांत, शिवचरण साहू जी। जी शिवचरण साहू जी, इन्होंने भी सोशल वर्क किया है क्योंकि जी ये एक समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, और इनका उदाहरण देके और इन्होंने दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास किया है, क्योंकि इनकी न्यूज़ सुन के, इनका पढ़ के बाकी लोग भी मोटिवेट हो रहे होंगे इस तरीके का काम करने के लिए। तो ये एक मोटिवेशन का भी काम कर रहे हैं और खुद भी समाज कार्य कर रहे हैं। बात ये होती है ना कि हाउ टू मोटिवेट सोसाइटी फॉर सोशल वर्क, तो हम अपने आप से ही स्टार्ट कर सकते हैं सोशल वर्क करना। तो ये समाज कार्यकर्ताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बिल्कुल सर। अब हम आ जी मतलब अगर इसी को कहें तो आप बोल के जो करते हैं, जो बता के करते हैं, लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं, बट जब आप खुद एग्जांपल सेट करते जी हैं तो लोग उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं, आपकी लीडरशिप में। अब वो लीडरशिप अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर सोशल वर्क में अगर आप खुद इनिशिएटिव लेते हैं, अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई यहाँ गंदगी है, आप साफ़ करिए, आप लोगों को साफ़ करना चाहिए, तो उसके बजाय आप खुद जो है उसमें लग जाइए, देखिए लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे बाकी लोग आपसे। जी जी अब सर नेक्स्ट जी जो नेक्स्ट अगर उसमें आए हम लोग,
तो ये अगर आप देख सकते हैं तो पानी के लिए लड़ाई, जल संघर्ष, ये भी एक जो है बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़ है, संवेदनशील एक समस्या है, सामाजिक एक इशू है, मुद्दा है, जिसमें देखिए कोडरमा जो है एक जगह है हमारे जो है झारखंड के आसपास में, आप देखेंगे वहाँ 41 डिग्री टेम्परेचर में 10 गांव की महिलाएं 5 किलोमीटर दूर जंगल में एक एक बूंद पानी इकट्ठा कर रही हैं। और गर्मी, कितनी गर्मी, 41 डिग्री, मतलब कैसा एक सिचुएशन वहाँ, कैसी एक वातावरण माहौल जो है वो हो जाता है। और ये फोटो अगर आप देखें, अगर आप सोचें कि एक सोशल वर्कर अगर मैं हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे किस तरह से इनके जीवन में एक सकारात्मक या पॉजिटिव जो है चेंज या परिवर्तन में ला सकता हूँ, ला सकती हूँ इसके समाधान के लिए। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल कोर्स होने के नाते सोशल वर्क में जब हम बात करते हैं तो हमको हमेशा ये सोचना रहता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अभी ग्राम पंचायत से या वाटर कंजर्वेशन से, बरसात के समय पानी इकट्ठा करने से हो सकता है, या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव कौन सी है उस जिले में, उस गांव में, उस राज्य में, किस तरह से लोगों को, क्योंकि देखिए पुरुष नहीं जा रहे हैं पानी लेने के लिए। और ये बड़ी एक दयनीय स्थिति यहाँ देखने को हमको मिलती है कि आदमी जो है वो नहीं जा रहा है पानी लाने, और बच्चियाँ छोटी छोटी खड़ी हैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहन सिस्टर के साथ, और वो पानी भरने जा रही हैं। तो मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कामों में पुरुषों को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर, पुरुषों को जाना चाहिए। और ये तो वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है कि पानी के लिए महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर चल के जाना, और उस पे भी ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उनको पानी मिलता हो, थोड़े से पानी के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जंगल में बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर रही हैं, बताइए। और हम लोग पानी कितना जो है यूज़ करते हैं एकदम बिना टेंशन के, एकदम कि पानी हमेशा हमारे साथ रहेगा। जी सर, यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं जो आपने बात कही कि महिलाएं जा रही हैं पानी लेने, तो यहाँ ये बिल्कुल शो हो रहा है कि महिलाओं के जो घरेलू काम बने हुए हैं वो उनको ही करना है, चाहे वो कितनी भी कठिनाई से कर रही हो, कुछ भी तरीके से कर रही हो। यहाँ मतलब ये होना चाहिए कि इतनी कठिनाई है, महिलाएं जा रही हैं तो पुरुष चले जाएं, लेकिन नहीं, चूंकि हमारा समाज एक सिस्टम बना हुआ है कि महिलाएं ये काम महिलाएं करेंगे और ये काम पुरुष करेंगे, तो उसका भी एक एग्जाम्पल हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर जो है हमको एक सोशल वर्कर को एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि वो जी। भी जो है समाज में ये जो एक समस्या है, इस समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाए। क्योंकि देखिए कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तो होता नहीं है किसी भी जगह का, कोई कहीं से भी बैठ करके। और यही एक रीज़न है कि भारत में एक संस्था रही है, वो है योजना आयोग केंद्रीय स्तर पर। और योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स भारत की आज़ादी के बाद 1950 से जो है बने हैं, काफ़ी प्लान्स रहे हैं। अब उनमें क्या रहा है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो प्लान्स जो इंटेंडेड, जिस तरह से उनसे आशय रखा जाता था, उम्मीद रखी जाती थी कि ये जो है चीज़ें, ये आवश्यकताएं पूरी होंगी लोगों की, जो है कार्यक्रम में उनको लाभ मिलेगा, बट वो कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं मिला बेनिफिट जिस तरह से प्लानिंग की गई थी। अब उसका रीज़न ये था कि वो केंद्रीय स्तर पर प्लान्स बनाए जाते थे, या जो मूल अभूत आवश्यकताएं हैं या जो मूलभूत इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने में उस तरह से नहीं हो पाती थी, इफेक्टिवनेस नहीं रही शायद इसलिए। तो यहाँ पे इस समस्या का, कोडरमा के इस जो जंगल का एरिया है जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ जा करके सोशल वर्क के स्टूडेंट्स जो जो है झारखंड बिहार के हैं या अगल बगल के, आप जहाँ से भी हैं वहाँ अगर आप जाते हैं, वहाँ देखते हैं, विजिट करते हैं, तो लोकल इश्यूज के हिसाब से, उसके अनुसार आप किस तरह से पानी का कंजर्वेशन, संरक्षण कर सकते हैं जल का, और किस तरह से पानी जो है पीने के लिए पहुंचा सकते हैं, ये लोकल स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पे जा कर के समझ के तभी एक सोशल वर्कर इंटरवेंशन ले सकता है। जी जी बिल्कुल सर, अब हम नेक्स्ट जो जी होता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो देखिए ये भी एक गांव की, हमारे भारत की जो लगभग 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है जनगणना 2011 के अनुसार। और भारत जो है गांव का देश है, महात्मा गांधी जी के अगर उसमें हिसाब से देखें हम। अब देखिए लकड़ी के पुल पर खड़े होकर बोले पक्का पुल बनाए सरकार, ये कोंडा गांव की मरोरा पंचायत के लोगों ने आवाज़ उठाई है। अब ये भी छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव एक जिला है और लकड़ी का पुल है ये।
अब ये भी एक सोशल इशू है, एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, रोज उसी जगह से आना है जाना है, और लोगों ने ही जो है वो तैयार कर दिया लकड़ी का जो है पुल कि भाई ठीक है हमको समस्या हो रही है हम ही इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन एक सोशल वर्कर को किस तरह से इंटरवेंशन करना चाहिए, किस तरह से वो गांव के लोगों के आवाज़ बन सकता है, उनके मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकता है, क्योंकि गांव के लोग ऐसे आप देखेंगे कि उनको एप्लीकेशन लिखना ठीक से, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना, ज्ञापन देना कलेक्टर महोदय जी को उतना अच्छे से नहीं आएगा जितना अच्छे से आप पढ़ लिख के एक सोशल वर्कर होने के नाते जो है काम करते हैं। तो मैडम इसमें आप क्या कहेंगी? सर इसमें सोशल वर्कर का जो मुख्य भूमिका होती है वो ये है कि कई बार हम देखते हैं कि सरकार जो दूरस्थ एरिया है वहाँ पहुँच नहीं पाती है जी, जो एक बहुत कॉर्नर में खड़े इंसान तक नहीं पहुँच पाती है, और उस कड़ी वो दूरस्थ एरिया और सरकार को जोड़ने का काम करता है समाज कार्यकर्ता या जो सोशल वर्कर है वो उनको जोड़ने का काम करता है। तो इनकी जो समस्याएं हैं, और एक दूसरी बात ये देखी जाती है कि सोशल वर्कर जो होता है वो उस एरिया में बार बार जाएगा तो एक कनेक्टिविटी उत्पन्न होती है और गांव वाले उस पर विश्वास करने लगते हैं और अपनी बातों को बताते हैं, तो जो सोशल वर्कर है वो सरकार तक इन बातों को पहुँचा सकता है। हाँ तो ये जो है, और दूसरा ये भी देखना कि योजनाएँ कौन सी हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना और एक सोशल वर्कर होना, उस दोनों में अंतर है। पढ़ा लिखा व्यक्ति समझेगा कि समस्या क्या है, क्या इसके लिए किया जा सकता, बट सोशल वर्कर जो है चूँकि वो सोशल इश्यूज और सामाजिक इस तरह से एक प्रोफेशनल स्टडी करके आया है तो उसको एक रोडमैप भी बना करके एक पॉजिटिव इंटरवेंशंस क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या क्या पहल लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। क्योंकि अगर आप कलेक्टर महोदय से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि सर हमारे यहाँ स्टेट में शासन की ये राज्य सरकार की ये योजना है, इस योजना के अंतर्गत हम ये पुल बना सकते हैं या ये चीज़ें कर सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आप एक जागरूकता के साथ में पढ़ाई लिखाई समझदारी योजनाओं को जानने समझने के बाद ये काम किया जा सकता है। तो अगर इस तरह से अगर आप अप्रोच रखें तो मुझे लगता है कि आपको अपने प्रोफेशन में, सोशल वर्क के प्रोफेशन में बहुत बहुत आपको आनंद मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के जीवन में जो है चेंज ला रहे हैं जी। और ये सोचने वाली बात है, आप देखिए ना कि कैसे मतलब लोग जो है लकड़ी के पुल पे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जाएंगे वहीं से, वहीं गिरेंगे, उनको चोट लगेगी, फिर आना जाना। तो अब जो है इस तरह के जो मुद्दे आते हैं चाहे वो गाँव से हों या फिर शहरों से हो, उसको किस तरह से आप रिसर्च करते हैं, आप जो है प्रोजेक्ट स्टडीज़ जा कर के करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, रूरल कैंप लगाते हैं, तो इन सब मुद्दों को उजागर कैसे करते हैं और उसका समाधान किस तरह से आप बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। सर बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आज की लास्ट जो मुद्दा है, और वो बहुत ही सकारात्मक मुद्दा है, बहुत ही पॉजिटिव जो है पहल है, इनिशिएटिव है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो ये मलेरिया से मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़, मतलब मलेरिया के केसेस, यहाँ जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़, समृद्ध सुंदर छत्तीसगढ़ है हमारा, हमारे देश में, और अन्य राज्य भी सुंदर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही है। अब बात यहाँ ये है कि जब मलेरिया के केसेस अगर आप देखें तो मलेरिया के केस को कैसे छत्तीसगढ़ में कम किया गया, उस इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं, और सोशल वर्कर की भूमिका किस तरह से पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस को समझने और लोगों के समझाने तक हो सकती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैडम आप पूछेंगी कि इसमें सर इतना इंटरेस्टिंग या अलग है क्या जो हम इसको यहाँ कवर कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बताइए। अब देखिए इसमें देखिए दी गई है कि छत्तीसगढ़ में मलेरिया के केसेस बहुत कम आए हैं, उसका रीज़न क्या रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है वो एक्टिव अप्रोच लिया है, एक्टिव स्क्रीनिंग मॉडल अपनाया है। अब एक्टिव स्क्रीनिंग मॉडल में मलेरिया का क्या हुआ है, इसमें ये किया है कि जब भी कभी मच्छर काटता है गांव में या जहां भी एरियाज़ में, तो वहां वो क्या कर रहे हैं कि वो घर घर में जा कर के टेस्टिंग कर रहे हैं, पहली चीज़। जबकि अन्य राज्यों में क्या होता है कि पहले वो मरीज को पहचानते हैं कि किसको क्या हुआ है और तब इलाज करते हैं, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो
खुद ही जा रहे हैं घरों में, लोगों का चेक कर रहे हैं भाई आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं। तो पहला मॉडल जो पहले चल रहा था वो था पैसिव, और ये है एक्टिव, प्रोएक्टिव है, पहले से ही हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि जब पहले मच्छर लोगों को मलेरिया से प्रभावित होकर के काट लेता था मच्छर, तो अस्पताल जाते थे, चेक करवाते थे, ब्लड टेस्ट होता था और फिर दवाइयाँ दी जाती थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि साल भर में ये दो बार अभियान चलाया जाता है छत्तीसगढ़ में, हर महीने मॉनिटरिंग की जाती है और दवाइयाँ बांटी जा रही हैं घर घर जा कर के। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दवाइयाँ खाई कि नहीं खाई, और खाई है तो उसका जो रैपर है वो भी आप हमको दिखाइए। अब कोई भी आदमी इतना तो झूठ नहीं बोल सकता ना मैडम कि हमने दवा खा ली है, उसको बीमारी नहीं है लेकिन वो फिर भी दवा खा ले, क्योंकि कोई नहीं मरना चाहता ना बीमारी से या किसी भी चीज़ से जी। तो बात यहाँ ये है कि पहले क्या होता था कि स्वास्थ्यकर्मी जो है मरीज तक नहीं जाते थे, जो हमारे हेल्थ केयर के जो लोग हैं वो उनके लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए बैठे रहते थे अस्पताल में या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में रहते थे। जब लोग आते थे उनका टेस्ट करते थे, उनको दवाइयाँ देते थे, और उसके बाद फिर जो है उसके कारण जो है कम पता चल पाते थे कि किस कारण से ये हुआ है, और दवाइयाँ कम बढ़ती थी, टेस्ट भी कम होते थे। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ जस्ट छत्तीसगढ़ में रिवर्स कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं कि हम आपके घर आएंगे, आपका चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट आएगी, आपको दवा देंगे, आप दवा खाइए, खाने के बाद आप रैपर भी हमको दिखाइए। ये कितना मतलब पॉजिटिव एक न्यूज़ यहाँ देखने को पेपर में मिल रही है। और टेस्ट जब ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोगों के केसेस आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हम जो एक सोच के चल रहे हैं कि मलेरिया को हमें अपने राज्य से, अपने देश से मुक्त करना है, मलेरिया की समस्या ना हो, वो हम सफल हो रहे हैं। तो ये अन्य राज्यों के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल हो जाता है कि किस तरह से एक्टिव स्क्रीनिंग मॉडल पे काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। हम जहाँ जहाँ भारत के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में, अन्य स्थानों पर मलेरिया के केसेस हैं या मलेरिया के मच्छर हैं, बीमारियाँ हैं, किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं जी। है ना मैडम जी, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये उठता है कि सर सोशल वर्कर की क्या भूमिका होगी। ये सब तो न्यूज़ तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता ही अच्छा है, पर भूमिका क्या होगी। अब आप 6 मेथड्स पढ़ते हैं सोशल वर्क के, उसमें एक पॉलिसी इंटरवेंशन वाला भी है कि किस तरह से सोशल एक्शन आप लेते हैं। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो इस तरह के मॉडल्स जो हैं किस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे, क्योंकि यहाँ समरी में बात करना बड़ा आसान है, बट सोशल वर्कर के पर्सपेक्टिव से हमें देखना कि किस तरह से हम जागरूकता फैलाते, किस तरह से चीज़ों को जोड़ करके एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो एक सोशल वर्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कुछ ऐड करना चाहें मैडम इसमें तो? हाँ सर, ये रिसर्च के द्वारा भी, जैसे मान लीजिए ये हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है मलेरिया या मलेरिया मुक्त हो रहा है, तो हम उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके क्या क्या सकारात्मक चीज़ें हैं जिसकी वजह से मलेरिया कम हो रहा है। तो जब हम उसके रिसर्च करेंगे तो जाहिर के तौर पे हम दूसरी एरियाज में भी उन्हीं चीज़ों को अपनाएंगे, तो वो दूसरे जो एरियाज हैं वो भी मलेरिया मुक्त होंगे। तो ये इस तरीके के जो काम होते हैं हेल्थ से रिलेटेड या जो भी योजनाएं चलती हैं, उसको हम रिसर्च के माध्यम से भी एक सोशल वर्क में, जैसा आपने बोला सर के मेथड है सोशल वर्क का, सोशल वर्क का एक मेथड सोशल रिसर्च भी है, जिसमें वो रिसर्च करके समाज को देता है कि कारण क्या रहे, हाँ क्या काम किया जा सकता है, अपने सुझाव भी दे सकते हैं जी। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप कि सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल हेल्थ केयर के लिए, रूरल हेल्थ केयर के लिए अलग अलग राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ जंगल एरिया है, जहाँ मलेरिया के मच्छर पाए जाते हैं, उन राज्यों में वहाँ की जो सरकारें हैं वो क्या क्या स्टेप करती आई हैं। जो जो पहाड़ी एरियाज हैं, जहाँ पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, वहाँ ज़्यादा केसेस ऐसे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे एक राज्य में क्या इनिशिएटिव ले रहा है, दूसरे राज्य में क्या इनिशिएटिव, तो तुलनात्मक कंपैरिजन करके किस तरह से छत्तीसगढ़ का ये जो एक्टिव स्क्रीनिंग मॉडल है मलेरिया के केस में, प्रिवेंशन पहले से ही जो है उसमें जा रहा है, रदर देन क्यूरेटिव में जाना। प्रिवेंशन मतलब पहले से ही हम रोकथाम कर लें, पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें,
रेदर देन कि आपको बीमारी हो गई है उसके बाद आप इलाज करें जी। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड ये जो अप्रोच है, ये जो मॉडल है, इस पे बहुत सकारात्मक पहल एक सोशल वर्कर के तौर पे स्टडी के लिए आप कर सकते हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत चीज़ें जो है देखने समझने को मिली होंगी। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, सलाह है आपकी, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो सुझाव हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, उनको अपने आने वाले जो है वीडियोज़ में उसको जोड़ सकें जी। धन्यवाद। थैंक यू।